Hey guys, what's up? I'm Tokuridis and welcome back to my channel. So guys, कैसे हो सारे? I hope आप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे. So guys, टाइटल और थंबनेल लेके आपको समझ चुके होंगे वीडियो किसको पढ़ने वाले. जी हाँ, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो गाइस. सो काफ़ी ज़्यादा मतलब आप सब लोग मतलब जो भी मेरे फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ या मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें हर नीचे एक कमेंट जरूर होता है कि तो भाई लोगों की वीडियो बनाओ, अपने लोगों कैसे बनाया अपना. सो गाइस, आज की वीडियो में दिखाऊंगा लोगों कैसे बनाते हैं, ठीक है, अपने नाम का लोगो कैसे बनाते हैं. एंड गाइस, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ जो कि लोगों का वेक्टर है. वो काफ़ी सारे जो लोगों के वेक्टर होते हैं ना जो यूज़ करने से मेरे में वो ईगल का लोगो है. सो गाइस, मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों मैंने इधर उधर से इकट्ठा करके मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करी है. मैंने लिंक आपको नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर पीएनजी मिल जाएंगे आपको कि उसमें लोगों कैसे बनाना, जो लोगों का आइकन होता है ना उन सब के पीएनजी, तो काफ़ी हर तरह के कैटेगरीज के मिल जाएंगे. सो डिस्क्रिप्शन में वो है क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाओ जल्दी डाउनलोड कर लो एंड अपने मनपसंद का वो आइकॉन सेलेक्ट करके उस पर लोगो बनाओ. सो अब मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि लोगो कैसे बनाते हैं, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता. सो अब चल जाता है वीडियो तरफ. ओके, सो गाइस, सबसे पहले आपका स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है. देन उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है. देन उसके बाद जाना है आपको ओल्ड फोटो पे. ओल्ड फोटो पे जाने के बाद गाइस आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ठीक है. जो बैकग्राउंड है गाइस हमको वो बैकग्राउंड लेना है हमको, ये ट्रांसफीडर, ठीक है. ये आपको सेकंड वाला दिख रहा होगा, ये वाला आपको ये लेना है. तो एक बार आपके पास ट्रांसफीडर ये वाला बैकग्राउंड आ गया, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर गाइस, अब आपको अपना लोगो लेना है, ठीक है. आपको लोगो कैसे लेना है, तो सबसे पहले मैं आपको लोगो दिखाता हूँ मैंने कौन कौन से मेरे अपने लोगो ये सब लोगो मैंने अपनी साइट पे अपलोड कर रखे हैं, ठीक है. इनमें से जो भी आपको पसंद आता है लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जल्दी जल्दी जाओ पहले डाउनलोड कर लो. सबसे पहले आपका स्टेप है आप ये डाउनलोड कर लो कि आपको कौन सेलेक्ट करना है. ये विजय मार का जो लोगो है उसको भी मैंने दे रखा है ये रहा, ठीक है गाइस. सो अब मैं बताता हूँ क्या करना है सबसे पहले आपको. तो सबसे पहले आपको अपना आइकॉन लेना है, जैसे कि मैं अपना आइकॉन ले लेता हूँ, ये वाला जो मेरा वेक्टर है ये ईगल का, जो कि मैंने अपना लोगो कैसे बनाया था मैं बताता हूँ आपको. तो सबसे पहले आपको ऐसे इसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है. इसका साइज कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, इतना साइज करता हूँ मैं इसको, ठीक है. एंड यहाँ से डन कर देना सिंपली, ओके. सो मैंने अपना लोगो लगा लिया, अपना जो आइकन है वेक्टर आर्ट ईगल का उसको लगा लिया. तो हम सिंपली अपना टेक्स्ट लिखूंगा मैं इसके अंदर, जो कि मेरा नाम है तोकिर एडिट्स, ठीक है. देन आपको यहाँ से अपना फ़ोन सेलेक्ट कर लेना आपको कौन सा फ़ोन चाहिए. तो मेरा नॉर्मली फ़ोन है, सो मैं नॉर्मली सेलेक्ट करूँगा एंड इसका कलर ब्लैक रखूँगा. सो गाइस, जो मेरा लोगो है वो काफ़ी ईजी से बनाया था मैंने, काफ़ी सिंपल लोगो आपको दिख ही रहा होगा. सिंपल मैंने एक लोगो लगाया था ऊपर, ये क्लिप आर्ट लगाया था मैंने इसका ईगल का, एंड नीचे अपना बस टेक्स्ट पेज लगाया था. सो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए. सो गाइस, देखिए मेरा लोगो तो बन चुका है एक ही बार में, ये देखो. अब मैं आपको यहाँ को ड्रॉ टूल पे जाके दिखाता हूँ, देखिए ये ड्रॉ टूल, ये मेरा लोगो बन चुका है. अगर आपको इसके अंदर कुछ और मॉडिफाई करना अपने लोगो के अंदर, ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ गाइस कि मैंने अपने लोगो कैसे बनाया, तो आपको कैसे बनाना है, ठीक है. सो अब हम क्या करना है, जैसे कि इधर जाता हूँ मैं, इधर से मैं कुछ लोगो में थोड़ा मॉडिफाई करना है, तो इसको ऐसे क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ लगा दूंगा, इसको यहाँ. एंड सो मैं आपको बस बता रहा हूँ ताकि आप सब लोग भी ये सब चीज़ सीखो, मॉडिफाई कर सको अपने लोगो वगैरह को करना हो तो. लेकिन मैं गाइस अपने जो राय दूंगा ना, मैं अपना ओपिनियन दूंगा, आप सिंपल से लोगो बनाओ ज़्यादा बेस्ट रहता है. क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई ज़्यादा कुछ लोगो लगाते हो अपने फोटो के ऊपर ऐड करते हो ना, तो उसके ऊपर दिखता नहीं है ये सब चीज़ें, जो आपका टेक्स्ट होता है, जो आपका नाम होता है, वो दिखता नहीं है. सो देखिए, ऐसे जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो सिंपली, ठीक है. तो अपने लोगो तो मैंने बनाना सिखा दिया आपको कि मैंने अपना लोगो कैसे बनाया था. सो अब मैं बैक जाता हूँ. बैक जाने के बाद आपको एक विजय मार एडिटर है जो सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे, उनका लोगो बना के दिखाता हूँ. सो ऐड फोटो पे जाऊँगा क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती है, उन्होंने लोगो कैसे बनाया तो मैं बता देता हूँ. उनका लोगो ये वाला मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये वाला जो उनका आइकॉन है लोगो का, इसको भी ऐसे लगाना सिंपली, ओके. एंड यहाँ से डन कर देना सिंपल. देन हमें जाना है ये टेक्स्ट पे. देन यहाँ पे आपको लिखना, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, टी स्पेस देना है क्योंकि उनके जो नाम में स्पेस है, ई ई एंड ई डी आई टी जेड, तो ई के पहले मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूँगा ऐसे, ठीक है. एंड इसको ऐसे नीचे लगा देना, एंड इसका कलर भी हम ब्लैक रखेंगे ऐसे,
एंड यहाँ से डन कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ लोगो कैसे बन गया, ये देखिए काफ़ी इजी स्टेप में, देखिए विजय मार की तरह लोगो बन गया। सो सिंपली आपको करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आईकॉन डाउनलोड करना एंड नीचे अपना ऐसे पीएनजी लगा, अपना टेक्स्ट पीएनजी लगा देना, ये आपका लोगो बन जाएगा। एंड इसको फिर ऐसे सेव कर लेना, ये ट्रांसपेरेंट में आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक लोगो आपको और बना के दिखा देता हूँ। सो गाइस जितना लोगो बना सकते हो बनाऊंगा, दिखाता हूँ आपको। सो एड फोटो पे जाना है, जैसे किसी को फोटोग्राफी का लोगो बनाना है, सो जैसे फोटोग्राफी नहीं ये दिख रहा है, काफ़ी किसी को जो टीम वगैरह होती है पबजी वगैरह खेलते होगे तो अपना टीम का लोगो बनाना है, तो ये लगा दो एक शेर सा यहाँ पे, ओके डन डन कर देना यहाँ से। फिर आपको जाना है टेक्स्ट पीएनजी पे, यहाँ पे लिखना, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो फिर एडिट्स आर्मी लिख देता हूँ अपने सबको, मतलब एडिट्स आर्मी। ठीक है, एंड गाइस फ़ॉन्ट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, तो मुझे यही से लग रहा है तो मैं ये लगा देता हूँ। तो आप और भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको ऐसे लगा देना एंड डन कर देना। ये देखिए काफ़ी मस्त लोगो बन गया, आपको दिख सकता है ये एडिट्स आर्मी का। एंड इसको सेव कर लेता हूँ। सो गाइस मैं आपको अपनी कोई फ़ोटो पे लोगो दिखा लगा के दिखाता हूँ, ये वाला अपना जो लोगो मैंने बनाया। सो कोई फ़ोटो लेता हूँ अपनी डाउनलोड में जाके। सो जैसे कि मैं मान लो अपनी वाली फ़ोटो लेता हूँ। ठीक है, सो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, ऐड फोटो जाऊँगा, जो लोगो मैंने बनाया था उन लोगों को आपको ऐड करके दिखाता हूँ इसके अंदर, ताकि आप सबको ये नहीं लगे मैंने अपना लोगो बना लिया लेकिन आपको दिखाया नहीं। ये देखिए गाइस आपको लोगो आपको दिख रहा होगा, ये पीछे कुछ वाइट ब्लैक कुछ नहीं आया, कुछ सिंपल ये लोगो आपका बन चुका है। एंड सिंपल जाओ इस लोगो को ऐसे लगाओ, ठीक है, एंड इसकी ओपेसिटी वगैरह कम करनी तो कर दो एंड डन करो। अरे ये वाला लगो बढ़ करा ही नहीं मैंने, रुको ये वाला भी लगा के दिखा देता हूँ आप सब लोगों को। सो इसको ऐड करना है एंड इसको ओपेसिटी वगैरह सेट कर लेना एंड डन कर दो। ये देखिए लोगो ये वाला भी लग चुका है हमारा। तो गाइस आपने देखा मैंने आपको लोगो बना के दिखा दिया, एंड मैं आपको सारे वेक्टर दिखाए तो जो जो मैंने वेक्टर अपने साइट पे अपलोड करे हैं ये सारे वेक्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो किसी को फोटोग्राफी का लोगो बनाना हो तो ये फोटोग्राफी का आइकॉन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। किसी को थोड़ा सा वैसे बनाना हो तगड़ा सा ऐसा शेर सेलेक्ट कर लेना ये वाला, ठीक है। सो काफ़ी सारे मैंने आइकॉन अपने साइट पे अपलोड कर रखे हैं। सो गाइस आई होप आपको फोटो एडिटिंग पसंद आई होगी, एंड गाइस आप सबकी डिमांड ये पूरी हो गई होगी क्योंकि आप सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बोलते थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ। सो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, अब आपका काम बस एक ही है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करना है, ठीक है। कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा तो आप लिख देना कमेंट के अंदर आई सब्सक्राइब, ठीक है। सो गाइस चले चलता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडिटिंग करो, मौज करो, लव यू ऑल, बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.